ज्ञान की कमी है लड़की को, इसीलिए ऐसा हुआ। पर यही मेरा काम है, देश का लाल भोगीलाल मेरा नाम है। प्यारे नौजवान भाइयों और साथियों नमस्कार। सरकार जनता को कैसे परेशान करता है बता रहा हूँ। अपहरण मर्डर हत्या होता है, बैंक लूटता है, हॉस्पिटल में दवा नहीं, स्कूल में पढ़ाई नहीं। हर हॉस्पिटल में लिखा है मोदी जी का फोटो, नीतीश जी का फोटो, अब न होगा लाचार बीमार, सबको होगा मौत फुलाल। सारा दवाई महंगाई जो है बाहर से लिखता है, 20-20 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर दूरी से आता है, लेकिन दवाई 20 रुपये का भी नहीं मिलता। यही है मोदी सरकार और नीतीश सरकार का भी। नीतीश सरकार तो और शिक्षा को चौपट कर दिया है, समाज के समान परिवर्तन, समान डेवलप, शिक्षा है देश का संपूर्ण विकास, शिक्षा है, शिक्षा दिया है, शिक्षा रोशनी है, शिक्षा अर्थव्यवस्था का आगे को ओर बढ़ाता है, आगे को ओर बढ़ाता है। लालू जी के टाइम में कंपटीशन था, मैट्रिक पास करो नौकरी करो, नीतीश कुमार में एड करो बीएड करो 10 लाख रुपया दो। अरे नियोजन में तो पैसा का बरसात होता है, 10 तो सही निकलता है, जिसको तेज कम मार्क रहता है उसको आगे पहले 10 लाख रुपया चाहिए और निकाल देता है। यही है नीतीश कुमार का काम। अरे मोदी जी कहता है बिहार में जंगल राज है। अरे जंगल राज नहीं है, मंडल राज है, मंडल राज बीपी मंडल का मंडल राज है। उसको क्या पता है? उसको क्या बीपी मंडल का राज है। जब ये दिल्ली संसद बन के गया था तो देखा चपरासी से लेके डीएम तक आरक्षण है, उसने दस्तखत करके अपना इस्तीफा दे के चला आया। और इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह दस्तखत करके बिहार को भेजा, तो लालू जी इसको चालू किया। प्रथम नेता है बीपी मंडल, दूसरा नेता है लालू प्रसाद जी। तो लालू प्रसाद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये तो बड़े बड़े कंपनी का सरकार है। ये मोदी जी बड़े बड़े, मोदी आजाद बल, मीडिया आजाद बल, पुलिस आजाद बल, सारे आजाद बल है। एक टीवी चैनल खिलाफ करता था उसको भी इसने पैसा से। अरे रुकना झुकना क्या जानू ओ बाबू। अगर हम रेल मंत्री बनेंगे तो पहला काम करेंगे पंजाब में जो पराली को आग लगाता है उसको ट्रेन में वहाँ से कुटी काट करके और ट्रेन में बुक करके ये चावल गेहूँ बंद करेंगे। मुफ्त खोरी बंद करो, बंद करो। और पूरा बिहार में ये कोसी क्षेत्र में हम बांटेंगे वही पुआर लार। पर यही मेरा काम है, देश का लाल भोगीलाल मेरा नाम है। एक शहर में जो झुग्गी झोपड़ी दिखाई पड़ता है, क्या ये आजाद है? ये तो सरकार का गुलाम है, सरकार देख के अनदेखी करता है। ये झुग्गी झोपड़ी का बच्चा शहर में चौक पे कटोरा लेके भीख मांगता है, यही है भीख मांगता है। लेकिन देश का लाल भोगीलाल जो ये जो प्रधानमंत्री बनेगा तो इस बच्चे को सेंट्रल स्कूल में डालेंगे, तभी बेरोजगारी भुखमरी मिट सकता है। तो सरकार क्या चाहता है? क्यों शिक्षा चौपट है? समाज के समान परिवर्तन, समान डेवलप, शिक्षा है देश संपूर्ण विकास, शिक्षा है चौपट है क्यों? तो इसीलिए जब लोग पढ़ लिख लेगा ना तो हमको कुर्सी पर बैठने के लिए देगा। मोदी जी और नीतीश जी का ही काम है, इसीलिए शिक्षा को नीचे कर दिया है। अभी अगर चेक किया जाए तो कम से कम कहते हैं 20 लाख जाली सेकेंड फिर बहाली किया है, जो मुखिया द्वारा नियोजन में बहाली हुआ है आज से 15 साल पहले 1500 रुपये महीना में। इसमें आधा गलती है। यही है नीतीश कुमार का काम।